दोस्तों आज हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी व्यक्ति के जीवन की कहानी जिसने चीन की एंटायर इकोनॉमी और इंटरनेट इंडस्ट्री को लगभग अकेले नहीं इम्प्रेस किया है। उसकी लाइफ रॉबर्ट द ब्रूस और स्पाइडर की कहानी से कम नहीं है जो हमें पढ़ाई जाती थी। चीन के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, इन्वेस्टर और पॉलिटिशियन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोफाउंडर एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप जैक मा के बारे में। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हैंगझो में हुआ था। जैक मा के माता पिता ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को गाने और बजाने का काम करते थे। जैक मा को बचपन से ही इंग्लिश सीखने की काफी इच्छा थी, इसलिए वो हैंगझो इंटरनेशनल होटल एक साइकिल से जाया करते थे जहाँ बड़े बड़े फॉरेनर्स आते थे। जैक मा इंग्लिश सीखने के लिए उन लोगों से पहले अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते थे। चीन में इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, पर जब जैक मा ने अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लिया तो उन्होंने दूसरे देशों से आने वाले फॉरेनर्स के लिए एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम किया। ऐसा करते करते उनकी इंग्लिश काफी अच्छी हो गई। उन्होंने ये काम लगभग 9 साल तक किया। जैक मा ने हैंगझो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इंग्लिश टीचर के रूप में भी काम किया था। टूरिस्ट गाइड का काम करते करते उनका एक अच्छा फॉरेन फ्रेंड बना। जैक मा का असली नाम मायू था, पर चाइनीज लैंग्वेज में इसे बोलना काफी मुश्किल था, इसलिए उस फ्रेंड ने उनका नाम जैक मा रखा। तभी से हम सब लोग उन्हें जैक मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैक मा ने जॉब ढूंढना शुरू किया। जैक मा ने 30 से भी अधिक जॉब के लिए कोशिश की, पर उन्हें हर जगह से बस फेल्योर ही मिला। उन्होंने एक बार पुलिस के जॉब के लिए भी कोशिश की थी, पर उन्हें देखते ही उन्हें मना कर दिया गया। जब पहली बार KFC का रेस्टोरेंट उनके सिटी में पहली बार ओपन हुआ था, तो उन्होंने KFC में भी जॉब के लिए ट्राई किया था, पर जहां जिन 24 लोग जॉब के लिए गए थे उनमें से 23 लोगों को ही जॉब मिल गई, सिर्फ उन्हें नहीं मिली। इससे ही पता चलता है कि उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी हुई थी। जैक मा 1995 में अपने फ्रेंड्स की हेल्प से इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा और चलाया भी। उन्होंने इंटरनेट पर सबसे पहले बियर वर्ड को सर्च किया। वहाँ उन्हें बियर शब्द के बारे में काफी वेबसाइट से कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी मिली, पर चाइनीज लैंग्वेज में बियर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर उन्होंने चीन शब्द के बारे में भी इंटरनेट पर सर्च किया, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर ना होने के कारण जैक काफी दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बाकी देशों के कंपेयर में टेक्नोलॉजी फील्ड में चीन काफी पीछे है। जैक मा और उनके अमेरिकन फ्रेंड ने मिलकर चीन की इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ अपना एक पहला वेबसाइट बनाया। वेबसाइट बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर जैक मा को कुछ चाइनीज लोगों के ईमेल आने लगे। ये देखकर जैक मा को इंटरनेट की ताकत का पता चल गया। उसी साल 1995 में जैक मा, उनकी पत्नी और उनके दोस्तों ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए और एक वेबसाइट बनाने की कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने चाइना येलो पेजेस रखा। इस कंपनी को शुरू करने के लिए सभी दोस्तों ने मिलकर लगभग $20,000 जमा किए थे। इस कंपनी का मेन काम था कि दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना। 3 साल के अंदर ही अंदर उस कंपनी को $3,00,000 का प्रॉफिट हुआ और जैक और उसकी टीम ने उसके बाद चीन की कंपनियों के लिए भी वेबसाइट बनाना शुरू किया। उसके बाद वे अपने दोस्तों के टीम के साथ दोबारा अपने बर्थ प्लेस हैंगझो लौट आए। उसके बाद जैक मा ने अपने घर बैठे दोस्तों के साथ अपनी पहली B2B ई कॉमर्स वेबसाइट की शुरुआत की थी। जैक मा कहते हैं वो सैन फ्रांसिस्को के एक कॉफी शॉप में बैठे थे। वैसे तो अपनी वेबसाइट का नाम वो अलीबाबा रखने का उनका मन पहले से ही था, पर उन्होंने शॉप के एक वेटर से पूछा, क्या तुम अलीबाबा के बारे में जानते हो? तो वेटर ने कहा, खुल जा सिमसिम। उसके बाद उन्होंने कई इंडियन, अमेरिकन और बाकी कंट्री के लोगों से भी वही सवाल पूछा, तो उन्होंने देखा कि सभी लोगों के अलीबाबा के विषय में कुछ ना कुछ पता है। बस उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को अलीबाबा ग्रुप्स के नाम से शुरू किया। अलीबाबा ग्रुप्स ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया और 240 देशों से भी ज्यादा देशों में इसका बिजनेस शुरू हो गया। सितंबर 2014 के अनुसार अलीबाबा कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार $25 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी, जो एक काफी बड़ी सफलता थी। 10 सितंबर 2017 फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार जैक मा की कुल कमाई $37.6 बिलियन है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार आज इस कंपनी में 50,000 से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं। तो आप इस बिजनेस टाइकून के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।